नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी छावनी बोर्ड भर्ती 2020 के बारे में, जहां पर 8वीं और 10वीं पास मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फायरमैन, क्लर्क और सफाई कर्मी जैसी पोस्टों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आप सभी लोग घर बैठे 10 अगस्त 2020 तक अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग कंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं पूरी की पूरी जितनी भी वैकेंसी है, सभी की जो डेट है लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहां पे इंक्रीज कर दी गई है। सभी डेट्स को यहां पे इंक्रीज करके 10 अगस्त 2020 कर दिया गया है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप सभी को मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ पूरी की पूरी यहां पे लिस्ट भी दिखा देना चाहता हूं। इतने पूरे डिपार्टमेंट के अंदर आप सभी को यहां पे जॉब मिलने वाली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, यहां पे आप सभी को साइट में कैंटोनमेंट बोर्ड दिया गया है। आप लोगों को यहां पे जो है तो पोस्ट टू अप्लाई यहां पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पे बहुत सारी पोस्ट आएंगी, मेडिकल ऑफिसर, क्लर्क, फायरमैन और यहां पे आपका वैरियर गार्ड और यहां पे एक्सरे टेक्नीशियन, मजदूर और भी यहां पे बहुत सारी वाल्डमैन, सफाई वाला जैसी आपको यहां पे पोस्टें मिलने वाली है। तो यहां पे मान लीजिए कि मैं सिलेक्ट करता हूं यहां पे आखिरी नंबर पोस्ट को सफाई वाला। उसके बाद यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका ओटीपी आएगा और यहां पे जो आपका वैलिडेशन कोड यहां पे दिया गया उसको यहां पे जो है तो एंटर करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आगे हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आप लोगों का सचमुच सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके भारत देश की सेवा करने का, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दी गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर सरकारी नौकरी टाइप करेंगे, आपको ये लोगो देखकर इस एप्लीकेशन को अभी नहीं तो फिर कभी जब टाइम मिले आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसको एक अच्छा सा रेटिंग और रिव्यू भी कर देना है। दोस्तों, आपको इस भर्ती में डायरेक्ट आवेदन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया गया, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे 14 जुलाई 2020 का बड़ा अपडेट है, कैंटोनमेंट बोर्ड यहां पे कसौली रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए। आपको यहां पे जो है तो अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग mponline.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल पे टाइप कर सकते हैं या फिर यहां पे क्लिक करके ही जा सकते हैं। नीचे आने पर आप लोग देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 13 मिलने वाली है, जहां पर आपको यहां पे मेडिकल ऑफिसर, क्लर्क, फायरमैन, वैरियर गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन, मजदूर और सफाई वाला की पोस्टें मिलने वाली हैं। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट की, तो यहां पे जो अप्लाई करने की डेट है ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप लोग 10 अगस्त 2020 इसकी नई डेट आई है, अंतिम डेट यहां पे आपको 10 अगस्त तक अप्लाई कर देना है। बात करते हैं उम्र के बारे में, तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एसटीएससी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 सालों का एज में रिलैक्सेशन भी रखा गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे ₹500 एप्लीकेशन फीस और एससी एसटी पीएच के लिए बिल्कुल फ्री, और यहाँ पे जितनी भी फीमेल यानी कि महिलाएं हैं उन सभी के लिए केवल और केवल ₹100 एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे के बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। नीचे आने पर आपको फिर से एक बार सारी की सारी पोस्ट देख लेनी, कौन सी आपको किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे आप लोगों को यहाँ पे बता दे, ऑल इंडिया जॉब है इंडियन आर्मी के अंदर, आर्मी छावनी बोर्ड के अंदर, तो आप लोग भारत के किसी भी राज्य स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो वेतन जो है यहाँ पे आपको सभी पोस्टों के लिए ₹39,100 पर मंथ का दिया जाएगा। और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास वाले यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 10 अगस्त 2020 तक अप्लाई करना है। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक दे दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और फिजिकल ट्रेड और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। नीचे आने पर आपको सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा और जो डेट यहाँ पे इंक्रीज करी गई है उसका भी लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड की एक बटन आएगी, आप लोगों को इस डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाएगा और कुछ ही समय में आपके सामने ओपन भी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो 17 मार्च 2020 को ही आ गया था।
लेकिन आपको पता होगा कि मार्च में ही कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको डिले कर दिया गया, यानी कि इसको एक दो महीने या फिर जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी थी तब तक के लिए इसको जो है तो रिमूव कर दिया गया था। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर जितना भी आप सभी को बताया गया पूरा का पूरा राइट है, और एक और नोटिफिकेशन है जिसमें डेट एक्सटेंड के बारे में बताया गया उसको भी हम लोग अभी ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट पे स्केल यानी कि सैलरी, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे आउट ऑफ बीच पीएच वैकेंसी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्टें हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको फायरमैन की पोस्ट मिलेगी, बैरियर गार्ड की पोस्टें मिलेंगी, एक्सरे टेक्नीशियन की, मजदूर की, और यहाँ पे नीचे आने पर वाल्वमैन, और साथ में यहाँ पे आपको सफाई वाला की भी पोस्टें वैकेंसी मिलने वाली है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने पर आपको जो है तो क्लर्क की पोस्ट के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, साथ में फायरमैन की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है, और यहाँ पे कुछ हाइट है 165 सेंटीमीटर फायरमैन के लिए, 80 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है तो चेस्ट है एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के साथ 85 यानी कि 85, और आई साइट यहाँ पे 6x6 की, और वेट आपका मिनिमम 52 kg यानी कि 52 किलो का होना चाहिए। बैरियर गार्ड के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है, हाइट और चेस्ट यहाँ पे भी है, एक्सरे टेक्नीशियन में 12वीं पास, और मजदूर के लिए केवल और केवल 8वीं पास, और बाल्बमैन के लिए भी 8वीं पास, और सफाई वाला के लिए भी 8वीं पास ही मांगा गया है केवल और केवल। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 साल, और यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे क्लर्क के लिए 18 से 25, मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 से 30, और बाकी यहाँ पे बैरियर गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन 18 से 28, और मजदूर के लिए 18 से 30, और वॉलमैन के लिए भी 18 से 30, और सफाई वाले के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है तो यूआर के लिए 18 से 25, एससी के लिए 18 से 30, और ओबीसी के लिए 18 से 28 साल की एज यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है यहाँ पे केवल और केवल इंटरव्यू होगा, क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, और यहाँ पे फायरमैन के लिए भी आपका एग्जाम होगा, बाकी सारी की सारी यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे एग्जाम आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी यहाँ पे जानकारी और भी बहुत सारी 17 पेजों का पीडीएफ है, आपका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, बाकी एप्लीकेशन फीस से लेकर सारी चीजें ऐड करी गई हैं। अब हम लोग एक बार उस नोटिस को देख लेते हैं जो कि डेट एक्सटेंड के लिए जारी किया गया है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार फिर से डाउनलोड की एक बटन आएगी, आपको डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करना है, आपका जो डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 17 मार्च 2020 को यहाँ पे ओरिजेंडम नंबर यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है जारी किया गया था, उसके बाद यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका जो यहाँ पे डेट है यहाँ पे देखिए ब्लैक वाले में लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट आईडी 128 इज एक्सटेंडेड अप टू 10/8/2020, ऑल अदर डिटेल विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जितनी भी अदर यानी कि और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में है वो अनचेंज यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप सभी का जो लास्ट डेट है वो 10/8/2020 यानी कि 10 अगस्त तक अप्लाई करने की डेट यहाँ पे कर दी गई है, तो आप सभी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेकआउट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।